सोलन जिला प्रशासन ने सोलन नगर परिषद का रोस्टर जारी कर दिया। इस प्रक्रिया में उपायुक्त सोलन केसी चमन, एसडीएम सोलन, नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, भाजपा नेता राजेश कश्यप और कांग्रेस पूर्व पार्षद किशन ग्रोवर शामिल हुए। इसमें 15 वार्डों को लेकर जिला प्रशासन ने रोस्टर जारी किया है, जिसमें से कुछ वार्ड ओपन छोड़े गए हैं तो कुछ भार अर्पित आरक्षित किए गए हैं। इन बातों पर नियमानुसार अब आने वाले समय में चुनाव करवाए जाएंगे। इस रोस्टर के जारी होते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने लोगों से संपर्क साधना आरंभ कर दिया है और वे अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनावी बिसात प्री बिछाने में जुट गए हैं। वहीं कुछ पार्षदों ने इस पोस्टर का विरोध भी किया है। इस रोस्टर में वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 12 व 14 ओपन किए गए हैं। वार्ड नंबर 2, 9, 10, 11, 13 व 15 महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड नंबर 7 महिला एससी, वार्ड नंबर 1 और 8 पुरुष एससी के लिए रिजर्व रहेगा। अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सोलन अजय कुमार यादव ने बताया कि रोस्टर प्रक्रिया को नियमानुसार लागू किया गया है, जिसमें 6 सदस्यों की टीम ने पारदर्शिता के साथ रोस्टर जारी किया है, जिसमें कुछ वार्डों को ओपन रखकर कुछ वार्डों को नियमानुसार आरक्षित कैटेगरी में डाला है, जिसके अनुसार आने वाले समय में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दिनांक 26 अगस्त को माननीय उपायुक्त महोदय के पर्यवेक्षण में म्यूनिसिपल काउंसिल के लॉट जो रिजर्वेशन ऑफ सीट के लॉट ड्रॉ किए गए हैं, तो इसमें दो तरीके के लॉट ड्रॉ किए गए। एक एससी वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट होनी थी उसका लॉट ड्रॉ किया गया, दूसरा ओपन कैटेगरी वुमेन जो सीट रिजर्व होनी थी उसके लॉट ड्रॉ किए गए। और जैसे पहले से ही निर्धारित था नियमानुसार, इसमें 6 मेंबर होते हैं, एसडीएम तहसीलदार सोलन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो जनप्रतिनिधि ही होते हैं। तो इन 6 लोगों की मेंबरशिप में और माननीय उपायुक्त महोदय के पर्यवेक्षण में ये आज माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में 11 बजे के करीब ये पूरी प्रक्रिया पूरी की गई और इसका जो रिजल्ट रहा है वो जल्द ही उपायुक्त महोदय उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसकी अधिसूचना आप लोगों तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, प्रक्रिया नियमानुसार हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट जो है हमारा 2015 का ये रूल है, 2015 का एक्ट थोड़ा पुराना है, तो रूल के हिसाब से सारा प्रोसेस फॉलो किया गया है और इसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही माननीय उपायुक्त महोदय आप लोगों को अधिसूचना के माध्यम से रिलीज कर देंगे।